उच्छम जी मित्र एवं शत्रु जो के कजे एट क्लास का कचा आठवीं का दो पार्ट है, कितना पार्ट दो है, पार्ट दो क्या है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, यानी कौन सा पार्ट है, दो पार्ट है, दो पार्ट का नाम क्या है, मित्र एवं शत्रु, मित्र एवं शत्रु के बारे में बात करेंगे। सूक्ष्म जीव, पहले नंबर हमें पता होना चाहिए कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, किसके बारे में, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, जो सूक्ष्म जीव डेफिनेशन बात करेंगे, यानी कि सूक्ष्म जीव वे जीव, कौन से वे जीव जिन्हें हैं, वे जीव जिन्हें हैं हम बिना वे जीव जिन्हें हम बिना सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शी के नहीं देख सकते, देख सकते उन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव, यानी कि वे जीव जिन्हें हम बिना सूक्ष्म दर्शी के नहीं देख सकते। अगर हम सूक्ष्म दर्शी की जगह यहां पर नो लिख सकते हैं बिना यंत्र, क्या बिना यंत्र, बिना यंत्र या सूक्ष्म दर्शी के नहीं देख सकते हैं, जिनते क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं, कौन से जीव कहते हैं, सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव के बारे में बात चल रही है तो सूक्ष्म जीव की परिभाषा हो गई कि सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब सूक्ष्म जीव हो तो कौन से हैं, सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, चार प्रकार के। नंबर एक होते हैं जीवाणु, कौन से जीवाणु, नंबर दो कवक, नंबर तीन प्रोटोजुआ, नंबर चार शैवाल, क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव कितने पाए जाते हैं, चार प्रकार के, जिनमें हम बात कर ले में जीवाणु हैं, कवक हैं, प्रोटोजोआ हैं और कहा हैं, शैवाल। जो जीवाणु शैवाल होते हैं, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म मित्र होते हैं, यानी कि ये कौन से हैं, ये जीव सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो देख भी गए, जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं, उन्हें कहा कहा जाता है, सूक्ष्म जीव। अब हम जिसी जगह बात करेंगे दूसरी, के सूक्ष्म जीव हमें पता चल गया कि सूक्ष्म जीव भूत कैसे हैं। अब सूक्ष्म जीव भूत कौन कौन से हैं, उन्हें जीवाणु हैं, कवक हैं, प्रोटोजोआ हैं और शैवाल हैं, यानी चार प्रकार के जीवाणु सूक्ष्म जीव होते हैं। अब जिनमें थे मित्र सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं और शत्रु सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं। अब मित्र की बात कर ले मैं, नहीं सॉरी, पहले हम बात करेंगे कि सूक्ष्म जीव पाए कहाँ जाते हैं, सूक्ष्म जीव निवास कहाँ करते हैं। अगर हम सूक्ष्म जीव पाए रहने की बात करें कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं या सूक्ष्म जीवों का निवास स्थान या कांटों, तो सूक्ष्म जीव हर एक वस्तु में, चाहे वो मृत हो या जीव हो या मृत जीव या कोई प्लास्टिक की जो जीव है, सब्जी के छिलका हो, दलदल हो, गर्मी हो, बरसात हो, यानी कि हर एक मौसम में, हर एक स्थान पर, रेगिस्तान में, गर्म में पाए जाते हैं, ऊर्जा में भी पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव हर जगह निवास करते हैं। अब हम एक और बात करेंगे कि जामे जैसे एक और चीज होते हैं विषाणु, कहा पाया जाता है, विषाणु, जो विषाणु है जो सूक्ष्म जीव होता है, लेकिन जो होता है जो सूक्ष्म जीव की जगह क्या होता है, वायरस होता है, क्या होता है, वायरस, एक वायरस होता है, जैसे टीवी का रोग, खांसी
जुखाम, बुखार, आग का होते हैं जिनते ही क्या बनाएंगी बीमारी बनते हैं। जो बीमारी कहते बनते हैं एक वायरस थे जो क्या होता है विषाणु नाम को सूक्ष्म जीव होते हैं, अब जो है सूक्ष्म जीव होते हैं वायरस। अगर कहूँ पूछ लेवे के वायरस कैसे कहते हैं, विषाणु नामक सूक्ष्म जीव को कहा कहा जाता है वायरस कहा जाता है। अब देखो जहां हम बात करते हैं मित्र सूक्ष्म जीवन की, मित्र सूक्ष्म जीव, मित्र सूक्ष्म जीव यानी कि मित्र दोस्त कौन दोस्त। अब जो वे जीवाणु जो क्या करें जो हमारे शरीर के लिए कैसे हैं लाभदायक, कैसे होते हैं लाभदायक, और जो लाभदायक होंगे वे कैसे होंगे मित्र होंगे जो मन फायदा होगी। वे जीव सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे मन क्या हुआ है फायदा हुआ है। अब जैसे कि हम बात कर ले मैं जो देखो जैसे दही, जैसे दही है कहाँ कहाँ पाए जाते मित्रों सूक्ष्म जीव, दही है केक, दही केक और कहीं बनाए जाते हैं ब्रेड है, आदि को बनावे आदि बनाने में कई को प्रयोग करो जाते सूक्ष्म जीव। जो बिगर सूक्ष्म जीवन का ना सकत बन ना सकत, जैसे दही में लैक्टोज और दही की बात करें दही में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, कौन सा पाया जाता है लैक्टोबैसिलस नाम को जो सूक्ष्म जीव पाया जाता है। जिका तुमने देखी होगी कि दूध है हमारे पास गर्म यानी गुनगुने दूध में अगर हम थोड़ी सी छाछ या दही मिला देते हैं तो क्या होता है वो सुबह तक जम जाता है यानी कि अपने पूरा आकार जो दूध होता है वो दही में परिवर्तन हो जाता है। बात जमीवे को कारण क्या होता है जो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जो क्या करता है दूध के साथ गुनगुने दूध के साथ ज्यादा प्रक्रिया में ज्यादा जल्दी उपस्थिति में मात्रा में अधिक मात्रा में जनन करके नहीं अपनी सूक्ष्म जीवन की जो अपनी संख्या होते है वो सूक्ष्म क्या कर लेते हैं अधिक कर देते हैं जाते वो दूध कहीं में परिवर्तन हो जाता है दही में। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए दही जो स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है लाभकारी होता है लाभकारी। अब जो लाभकारी है जो हमारे कहें तो कैसे हो जाए जो लैक्टोबैसिलस नामक को जो सूक्ष्म जीव होता है जो जीवाणु होता है जो हमारे शरीर के लिए कैसा हो लाभदायक होता है जो कैसे आता है हमारे मित्र सूक्ष्म जीवन में आता है, कौन में आता है मित्र सूक्ष्म जीवन में। अगर हम बात कर ले में केक की ब्रेड की तो जो केक है ब्रेड है मैदा अब देखो एक ईस्ट पाउडर नाम का आता है यानी कि गूंथा आदली। अगर सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं इन्हों में देखा जाए कि जो जीवाणु हैं जीवाणु जैसे पनीर है अचार है अनेक खाद्य पदार्थों में उत्पन्न की सहायता करते हैं जैसे रवि जू इडली एवं भटूरे जैसे खाद्य पदार्थ यानी बहुत से खाद्य पदार्थों में क्या करते हैं जीवाणु भाई सहायता प्रदान करते हैं। तो उन्हें हम कौन से जीव सूक्ष्म जीव के कौन से कहलाएंगे वे हमारे मित्र सूक्ष्म जीव कहलाते हैं जो क्या कर रहे हैं हमारे जीवन में उपयोग आते हैं जो हमारे खाद्य पदार्थों में लाभदायक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। लेकिन सूक्ष्म और जैसे कि बात कर रहे हैं एक किलो आटा लो अगर उसमें हम ईस्ट पाउडर डाल दिए जाए और उसे गूंथ के रख देते हैं तो अगर 2 घंटे बाद अगर हम उसे देखेंगे तो क्या होता है कि हमें वो आटा है वो फुला हुआ दिखा मिलता है तो उसमें क्या जीवाणु अपनी वृद्धि कर लेते हैं जिससे बहुत सारे जैसे इटली है छेना है तो खाद्य पदार्थ उपयोग में बनाए जा सकते हैं।
तो जो कौन से जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, जो हमारे मित्र हैं, मित्र वर्त सूक्ष्म जीव होते हैं। अब हम आगे की वीडियो में बात करेंगे ही, जो हमारे शरीर के हानिकारक होते हैं, जिन्हें हम शत्रु सूक्ष्म जीव कहले में, या हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे हमारे पर्यावरण शुद्धिकरण में भी काम करते हैं। क्या करते हैं, जैसे फलें सब फल सब्जी हैं, कचरा एकत्रित कर ले, जैसे अगर फल सब्जी नीचे अगर छिलकाएं तो बिना क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। नष्ट करने के बाद में तो बिना वायु प्रदूषण नहीं होगा, कचरा में वातावरण प्रदूषण नहीं होगा, जाते हम स्वच्छ रहेंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे। तो वे हमें बहुत से जगह पर काम देते हैं। तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम हानिकारक सूक्ष्म जीवन के बारे में। थैंक यू।